अध्यापक भर्ती परीक्षा नौ पारियों में दो हजार नौ सौ चालीस परीक्षा केंद्र बनाए नौ पॉइंट चौसठ लाख अभ्यर्थी बैठेंगे यानी राजस्थान के अंदर जो पच्चीस फरवरी से एक मार्च तक रीट मुख्य परीक्षा कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होने वाली है उसमें नौ पारियों में टो, टो, टोटल दो हजार नौ सौ चालीस परीक्षा केंद्र पूरे राजस्थान में बनाए गए हैं और उसमें नौ पॉइंट चौंसठ लाख अभ्यर्थी है वो बैठने वाले हैं इस प्रकार है परीक्षा केंद्र और अभ्यर्थियों की संख्या इसके बारे में बात कर लेते हैं पच्चीस फरवरी को पहली पारी में छः सौ इक्यावन परीक्षा केंद्र होंगे उसमें दो लाख बारह हज़ार दो सौ उनसठ अभ्यर्थी बैठेंगे जयपुर सहित ग्यारह जिलों में ये परीक्षा होगी पच्चीस फरवरी को दूसरी पारी में पाँच सौ अस्सी परीक्षा केंद्र होंगे एक लाख तिरानवे हज़ार तीन सौ छियासी अभ्यर्थी बैठेंगे और जयपुर सहित ये ग्यारह जिलों में परीक्षा होगी छब्बीस फरवरी को पहली पारी में सात सौ छियानवे परीक्षा केंद्र होंगे दो लाख अठावन हजार छह सौ इकसठ छात्र बैठेंगे सामाजिक की परीक्षा है पहले वो हिंदी की थी जयपुर सहित ग्यारह जिलों में ये परीक्षा होगी छब्बीस फरवरी को दूसरी पारी में पांच सौ बयालीस परीक्षा केंद्र है एक लाख तेहत्तर हजार चार सौ तिरसठ अभ्यर्थी बैठेंगे जयपुर सहित ग्यारह जिलों में ये परीक्षा होगी सत्ताईस फरवरी को पहली पारी में एक सौ छिहत्तर परीक्षा केंद्र है तिरसठ हजार एक सौ छब्बीस अभ्यर्थी बैठेंगे केवल जयपुर जिले में होगी ये संस्कृत की परीक्षा होगी सत्ताईस फरवरी को दूसरी पारी में एक परीक्षा केंद्र है चौवन अभ्यर्थी बैठेंगे ये भी केवल जयपुर जिले में आयोजित होगी अट्ठाईस फरवरी को पहली पारी में तेईस परीक्षा ही है पाँच इकतीस अभ्यर्थी है केवल जयपुर जिले में ये परीक्षा होगी अट्ठाईस फरवरी को दूसरी पारी में चौदह सेंट्री है तीन सौ तीन हजार तीन सौ आठ अभ्यर्थी बैठेंगे जयपुर जिले में परीक्षा होगी और एक मार्च को पहली पारी में एकमात्र परीक्षा केंद्र है दो अभ्यर्थी ही भाग लेंगे ये सिंधी की परीक्षा है और केवल जयपुर जिले में होगी तो हरिप्रसाद शर्मा ने क्या कहा है बोर्ड ने अध्यापक भर्ती परीक्षा के आयोजन की पूरी तैयारी कर ली है इसके लिए पुलिस और एसओजी समन्वय स्थापित कर परीक्षा का सफल संचालन किया जाएगा कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा तो यहाँ पर ये जो भर्ती परीक्षा है वो नौ पारियों में दो हज़ार नौ सौ चालीस परीक्षा केंद्र कॉल बनाए गए हैं और यहाँ पर सफल आयोजन होगा इसका ऐसी उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स हैं वो इसमें सहयोग करें किसी को भी पेपर आउट की भनक लगे तो पुलिस तक जरूर सूचित करें और सोशल मीडिया पर पेपर को वायरल नहीं करें नहीं तो आप बराबर की दोषी माने जाएंगे और आप सभी बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आप सभी अपना बेस्ट दे करके आएँ धैर्य बनाते हुए माइनस मार्किंग है तो उस हिसाब से सवालों के आंसर दें धन्यवाद जय हिंद